स्वागत है एक और नए और कमाल के एपिसोड में। दोस्तों कुछ समय पहले जो है हमने वन प्लस बुलेट्स वायरलेस जेड टू का अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यू किया था। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद में जाके जो है इसे जरूर चेकआउट करना। लेकिन दोस्तों आज का वीडियो जो है थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये ईयरबड जो है बहुत ज़्यादा फेमस है और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मार्केट में जो है ये बहुत ज़्यादा चलता है। तो बहुत से लोगों के पास में जो है यह नेकबैंड होगा ही होगा। मैंने ईयरफोन बोल दिया था, ये नेकबैंड है दोस्तों और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का नेकबैंड है। मेरी तरफ से फुल रिकमेंडेड है अगर कोई भी इसे अभी भी परचेज करना आता है तो दोस्तों इसके अंदर अगर मान लो कभी आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे मान लो ये पेयर नहीं करता है दूसरे डिवाइस के साथ में, या फिर इसमें एक साउंड आ रहा है एक में साउंड नहीं आ रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत आ रही है, तो 99% दोस्तों आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इसको रीसेट करने से। तो इसको रीसेट कैसे करना है कई बंदों को जो है ये चीज़ पता नहीं होती है। हालांकि ये सब चीज़ें जो है आपको यूज़र गाइड वगैरह में देखने को मिल जाती है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके अंदर सिंपली एक मिनट के अंदर बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप इसे जो है रीसेट कर सकते हैं, नया जैसे कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको इसको मैग्नेट को अलग करना है, उसके बाद दोस्तों ये ऑन हो जाएगा और यहाँ पे जो है LED इंडिकेटर लाइट आ जाएगी। तो जैसे कि अभी आपने देखा इंडिकेटर लाइट आके बंद हो चुकी है, तो आपको सिंपली माइनस वाले को और प्लस वाले को 3 सेकंड के लिए होल्ड करना है और एक ऑरेंज लाइट का वेट करना है। तो ऑरेंज लाइट आ चुकी है, उसके बाद में दोस्तों इसको छोड़ दीजिए और दोस्तों उसके बाद में जो है इससे वापस से कनेक्ट कर दीजिए मैग्नेट से। तो यह दोस्तों वापस से जो है आपका रेडी हो चुका है, जैसे कि आप नया लेके आते हो। अब दोस्तों कुछ देर बाद में जो है रेड लाइट आके बंद हो जाएगा, अब इसको वापस से जो है आप हटा दीजिए, यह ऑन हो जाएगा नए जैसा एकदम। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इसको रीसेट कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अंदर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है, रीसेट तो हालांकि आप कर लोगे कोई दिक्कत नहीं इस वीडियो को देखने के बाद में, फिर भी अगर आप रीसेट नहीं कर पा रहे हैं या कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके क्यूरीज को सोल्व करने की, आपकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इसका डिटेल रिव्यू देखने के लिए आपको आई बटन में यहाँ पे ऊपर लिंक मिल जाएगा, इसके बाद में उसको जरूर चेकआउट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।